क्या आप जानते हैं कि बावजू रहने के क्या फवायद हैं? वुजू से मुतल्लिक जो बातें आज से 1400 बरस पहले हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहादीस मुबारका में इरशाद फरमाई, आज की जदीद साइंस उस पर तहकीक करके ना सिर्फ उसको मिनोअन तस्लीम कर रही है, इसके साथ साथ साइंस मोहम्मद का पता भी पूछ रही है। इस्लाम में तमाम तर इबादात का इन्हिसार तहारत और पाकिजगी पर मबनी है। रूह के साथ साथ जिस्म की तहारत भी लाजिम मलजूम है। वुजू की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान मजीद में इसका वाजिया हुक्म है और ये वजाहत भी मौजूद है कि नमाज के लिए वुजू शर्त है। चुनाचे कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम नमाज के लिए उठो तो चाहिए कि अपना मुंह और हाथ कोनियों तक धो लो और सरों पर हाथ फेर लो और पांव टखनों तक धो लिया करो। नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं क़यामत के रोज अपनी उम्मत के लोगों को पहचान लूंगा। सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूलल्लाह कैसे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक पहचान ये होगी, वुजू की वजह से मेरी उम्मत के हाथ और चेहरे जगमगा रहे होंगे। वुजू करने से छोटे छोटे गुनाह धुल जाते हैं और वुजू करने वाला आखिरत में बुलंद दर्जात से नवाजा जाता है। तजुर्बात से ये बात साबित हो चुकी है कि नबातात, जमादात, हैवानात और इंसानी जिंदगी एक बरकी निजाम के तहत रवा दवा है। इंसानी जिस्म से हासिल होने वाली बिजली एक टॉर्च या एक छोटा सा रेडियो चलाने के लिए काफी होती है। कुदरत का ये अजीब एक सरबस्ता राज है कि इंसान के अंदर बिजली पैदा होती रहती है और पूरे जिस्म में दौरा करके पैरों के जरिए अर्थ हो जाती है। वुजू के बगैर नमाज नहीं होती। नमाज के लिए जो बंदा वजू करता है तो रोशनियों का बहाव आम डगर से हटकर अपनी राह तब्दील कर लेता है। वजू के साथ हमारे अजा से बरकी रूहें निकलने लगती हैं और इसी अमल से जिस्मानी अजा को एक नई ताकत और कुवत मिलती है। हाथ धोने से हाथों पर मौजूद जरासीम और गंदगी दूर हो जाती है। इंसान बहुत सी पेट की बीमारियों से महफूज रहता है क्योंकि जाहिर है कि इंसान हर चीज अपने हाथों से ही खाता है, लिहाजा हाथों की सफाई हर किस्म की जरासीम से छुटकारा दिलाती है। डॉक्टर्स और हकीमों का कहना है कि जिस्म के जिस हिस्से को वाफिर खून मिलता रहेगा वो हिस्सा ताकतवर होता जाएगा। रब्बे रहमान ने वुजू में 3 मरतबा हाथ धोने का हुक्म इसलिए दिया है कि पानी गुजरने से वहाँ पर बदन की कुव्वत और हिस बेदार हो, क्योंकि जब ठंडा पानी वहाँ पड़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा खून पानी के झटके का मुकाबला करने के लिए आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह कुल्ली करने से मुंह की सफाई होती है, बदबू दूर होती है, दांतों और मसूड़ों के साथ चिमटे हुए गिजा के जर्रात धुल जाते हैं और खास तौर पर दांतों की बीमारी पायरिया, जिसने आज पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है, दिन में 15 मरतबा कुरली करने वाले इस बीमारी से महफूज रहते हैं। नाक सांस लेने का वाहिद फितरती रास्ता है और जिस हवा में हम सांस लेते हैं इसमें बेशुमार जरसूम में फलते और फूलते रहते हैं जो नाक के रास्ते जिस्म इंसानी में बआसानी दाखिल हो जाते हैं। अब यही जरासीम धूल गर्दो गुबार सुबह से शाम तक हमारी नाक में सांस के जरिए पहुँचती रहती है तो बहुत से अमराज का बायस बन सकती है। नाक में पानी डालने से नाक की सफाई हो जाती है, आवाज की गहराई और सुहानापन पैदा होता है। वुजू करते हुए चेहरा धोने से भंवरे पानी से तर हो जाते हैं और मेडिकल के उसूलों के मुताबिक आंखों के भंवरे तर करने से आंखों के एक ऐसे मर्ज के इम्कानात कम हो जाते हैं जिसमें आंख के अंदर रुतूबत कम या खत्म हो जाती है और मरीज आहिस्ता आहिस्ता बसारत से महरूम हो जाता है। एक चीनी रिसर्चर की तहकीक के मुताबिक चेहरा धोने से पेट में छोटी आंत, सीना, बड़ी आंत वगैरह पर भी अच्छे असरात मुरतब होते हैं। इसी तरह कोहनियों तक हाथ धोने से न सिर्फ जिस्मानी बीमारियों में अफाका होता है बल्कि नफसियाती बीमारियाँ, मसलन जहन में नापाक ख्याल का इस्तेमाल, नाउमीदी, जहनी कमजोरी, बेजा खौफ में भी नुमाया कमी वाकया होती है। सर का मसा करना। सर पर गीला हाथ फेरने से बालों पर चढ़ा हुआ गर्दो गुबार साफ हो जाता है। यूं दिन में 5 मरतबा दिमाग को हल्की ठंडक का गुसल देने से खोपड़ी के अंदर ढके हुए दिमाग को सुकून मिलता है। सर इंसान के तमाम अज़ा में ना सिर्फ ज्यादा अहमियत रखता है बल्कि तमाम अफाल का ताल्लुक भी दिमाग से ही होता है। सर का मसा करते वक्त शहादत की उंगलियाँ गीली करके कानों में डालते हैं जिससे कानों की सफाई होती है और सुनने की सलाहियत में भी इजाफा होता है। कानों के पीछे जो खाली जगह होती है जहाँ बाल नहीं होते, इस हिस्से को तर करने से इंसान नजर की कमजोरी से महफूज रहता है। वुजू से गर्दन का मसा करने से जिस्म को एक खास तवानाई नसीब होती है जिसका ताल्लुक रीढ़ की हड्डी के अंदर हराम मगज और तमाम जिस्मानी जोड़ों से है। जब कोई नमाजी गर्दन का मसा करता है तो हाथों के जरिए बरकी रूह निकल कर रगे जान, जिसको शाह रग भी कहते हैं, और रीढ़ की हड्डी से गुजरते हुए जिस्म के पूरे इसाबी निजाम को तवानाई बख्शती है। गर्दन और कानों की पुश्त पर ठंडा हाथ फेरने से इनके असाब मजबूत होते हैं और थकन दूर होती है। चूँकि इंसान के दिमाग से सिग्नल पूरे जिस्म में जाते हैं जिससे हमारे तमाम अज़ा काम करते हैं, लिहाजा दिमाग से बहुत सी बारीक रगें बन कर आ रही होती हैं जो हमारी गर्दन की पुश्त से होती हुई पूरे जिस्म को जाती हैं। चूँकि पाँव अक्सर टखनों तक नंगे रहते हैं और इन पर गर्दो गुबार पड़ता रहता है, लिहाजा पाँव धोने से पाँव साफ हो जाते हैं और इनका मैल कुचैल दूर हो जाता है। हथेलियों की तरह पाँव के तलों का भी तमाम असाब पर, खास तौर पर पेट, मसाना, गुर्दे, तिल्ली, पित्ते और जिगर से ताल्लुक होता है।
ناظرین آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جب وضو کے اتنے جسمانی اور روحانی فوائد ہیں تو نماز پڑھنے کے کتنے جسمانی اور روحانی فوائد ہوں گے۔ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارا پیج ڈیلی پاکستان بھی لائک کیجیے۔ اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔